दोस्तों पुणे में जो मुकाबला चल रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला, आज अभी दूसरा दिन है और भारतीय टीम बुरी तरह फंस चुकी है। पहला टेस्ट मुकाबला तो बुरी तरह हारी गवा दी और अब यहां पर एक बार और फंस चुकी है। अगर यह मुकाबला हारती दूसरा टेस्ट तो यह सीरीज लंबे अंतराल के बाद भारतीय टीम हारेगी, लंबे अंतराल के बाद यानी दशकों बाद हारेगी। लेकिन हम सोचते हैं कि भारतीय टीम यह मुकाबला जीते। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 259 रन बनाई, जिसमें भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज रहे वाशिंगटन सुंदर ने धारदार गेंदबाजी की और 7 विकेट निकाले। अपने करियर का टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया उन्होंने। 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई थी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, बना दिए 259 रन न्यूजीलैंड की टीम और 7 विकेट रहा भारतीय टीम की तरफ से वाशिंगटन सुंदर का, 3 विकेट रहा रविचंद्र अश्विन का। भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए पहले के स्कोर पे ही कप्तान रोहित शर्मा पवेलियन चले गए, मात्र 1 रन बना था और खाता भी नहीं खोल पाए थे और कप्तान रोहित शर्मा। उसके बाद छोटे 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 अंतराल पे विकेट गिरता रहा, कोई बल्लेबाज टिक नहीं सका। यशस्वी जायसवाल कुछ रन बनाए, कुछ ऋषभ पंत बनाए थोड़े बहुत, और अंत में जब आए तो रविंद्र जडेजा ने थोड़े बहुत रन बनाए। यही रनों का सहयोग रहा, भारतीय टीम 156 रन पे ऑल आउट हो गई। 103 रन की लीड है न्यूजीलैंड के पास पहले इनिंग की, 103 रन की, यानी बहुत ही बड़ी लीड कही जाएगी। दोस्तों इस मैच को अगर जीतना है भारतीय टीम को तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही मशक्कत करना पड़ेगा, जल्दी आउट करना पड़ेगा न्यूजीलैंड की टीम को और अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। काफी खराब प्रदर्शन रहा है इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का, बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। आपकी क्या राय है भारतीय टीम के इस खराब प्रदर्शन के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा।